Class of Flan India with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about sir MEG 1 की preparation कर रहे हैं और हमें दिक्कत हो रही है कि RTCs वाले questions नहीं हो रहे. As such, the student those passed out MEG सर उनको भी ये दिक्कत थी और हमें हमारे seniors ने बताया कि यार ये paper के अंदर अगर ये RTC वाला part आता है तो definitely आप लोगों को problem होने वाली है. तो what be the ultimate solution? इससे पहले भी कई सारे videos हैं लेकिन सर हमें थोड़ा detail में थोड़ा और डिस्क्राइब करके अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे तो इजी हो जाएगा. ऐसे मैसेज लगातार बार बार आते हैं, ऑलमोस्ट डेली आते हैं. तो इससे पहले क्लास को शुरू करूं, गाइस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. तो आगे चलते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, चीजों को समझना भी जरूरी है. एंड हाउ गोइंग टू गेट नॉट 50-60 बट 80+ मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर नोन एज टू बी MEG 1 जिसको बोलते हैं ब्रिटिश पोएट्री. तो सर इतने नंबर बता रहे हैं आप, क्या ये आते हैं? तो व्हाट्सएप के स्टेटस पीछे नंबर दिया गया मेरा, मैंने स्टेटस चेक कर देना यार. यू विल गेट टू नो कि कितने नंबर आते हैं, 70s 80s इवन 90s स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं, तो आप भी हो सकते हैं. नेक्स्ट व्हाट बी यू, दैट्स टू कि आपने कहा सर हम कैसे शुरू करते हैं. अब क्लास को कॉन्टिन्यूशन लेके आता हूं, कई लोग बोलेंगे सर बातें ज्यादा करते हैं. तो कम टू द पॉइंट, या फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया. नहीं क्या तो इमीडिएटली कर लेना ताकि अब सारी चीजें क्लियर कर दें. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पोएट्री. सर ब्रिटिश पोएट्री का सबसे पहले हमें बताना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है. व्हाट बी द एग्जाम पैटर्न ऑफ ब्रिटिश पोएट्री, मतलब मेरे पास सर कितने पेपर होंगे ब्रिटिश पोएट्री के, 1, 2, 3, 10, 20, 50 ऑलमोस्ट इतने से ज्यादा पेपर होंगे मेरे पास, जिनको देख के हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है. व्हाट द एग्जाम पैटर्न सर इस पेपर का, ब्रिटिश पोएट्री का बोलते MEG 01. अब मुझे इस पेपर को क्रैक करना है, वो भी लीस्ट टू लीस्ट 70 मार्क्स, लीस्ट ऊपर जितने आए वो आपके, मैं कम से कम 70 के प्रॉमिस करता हूं यार, इतने हम लेके आते हैं. अब आपने कहा स्ट्रैटेजी क्या रही, व्हाट बी द स्ट्रैटेजी. शुड वी प्रिपेयर RTCs only? पहला क्वेश्चन दिमाग में था, क्या सर सिर्फ RTCs प्रिपेयर करें? मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, सीधे से मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा. इवन आई नो दैट वी डू हैव अ चांसेस ऑफ कंप्लीट RTCs दिस टाइम, बट स्टिल आई एम सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू से दिस कि सिर्फ RTC की प्रिपरेशन करो, क्योंकि दोनों पैरेलल चलने चाहिए. क्या सर RTCs और एसे टाइप क्वेश्चन, एक हो गया आरटीसी, एक हो गया एसए टाइप क्वेश्चन. अब यार कई लोगों ने मेरी वीडियोस में इको की बहुत प्रॉब्लम थी सर, इको बहुत ज्यादा होती, तो प्लीज अगर इको हो अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इको बहुत ज्यादा रही. मैं कोशिश करूंगा कि और ज्यादा कुछ इंप्लीमेंट कर पाऊं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर, पहले कोर्स को डिवाइड करो. सर कोर्स ऑलरेडी डिवाइडेड है, हमारे पास ब्लॉक्स हैं लेकिन हम ब्लॉक वाइज पढ़ते नहीं, हम लोग सब कुछ उठा लेते हैं एक साथ. तो यहां पे आ गए स्टेप्स टू स्टडी MEG 1. फर्स्ट ऑल डिवाइड द कोर्स, आई रिपीट डिवाइड द कोर्स. आपने कहा डिवाइड द कोर्स, इसमें शॉर्ट एनालिसिस अप्लाई नहीं करनी. आई एम नॉट टीचिंग मैनेजमेंट, आई एम टॉकिंग इंग्लिश लिटरेचर, वो भी इंग्लिश लिटरेचर एंड ब्रिटिश पोएट्री. तो इसको पढ़ते हुए हमें क्या करना है, हमें हर सेगमेंट का, हर ब्लॉक का बेसिक पोएट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टिपोलॉजी. तो मैंने कहा पॉइंट्स, ब्लॉक्स, पोएट्री, तीन चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. पोइट्स सर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आई डोंट हैव एन आइडिया वेदर यू आर स्टार्टिंग विद द चौसर और द मेटाफिजिकल पोएट्री और सर न्यू क्लासिकल शुरू कर दिया आपने, मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा चीज लगा. एंड देन देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको लगता है यार ये वाला ब्लॉक तो ना बहुत टफ है, तो मैं इस ब्लॉक को तो नहीं करने वाला. Let me be very honestly speaking to you guys that in this particular paper you cannot leave even a single block. आप कोई भी block नहीं छोड़ सकते. जिनके दिमाग में आता है 5-6 block करके जाएंगे and we're going to crack. No guys. For this particular paper आप किसी block को नहीं छोड़ सकते. Yes, एक significant block में आप किस एक अलग topic के कुछ poetry, poetries को छोड़ सकते हो, मैं बता दूंगा आपको.
लेकिन ब्लॉक्स सारे के सारे करने फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, सारे ब्लॉक्स ऑन टिप ऑन जी। आपने स्टार्टेड फ्रॉम चौसर टिल पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ड्स। सर पोस्ट मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट की बात करें तो मेरे पास इलियट आता है डोमिनेंट है सर, इलियट को छोड़ कैसे दूं। हाउ आई एम गोइंग टू लीव द टी एस इलियट, हिज वर्क द वेस्टलैंड दैट इज द की। वो कंफर्म पेपर में आता है, मतलब उसको छोड़ना सर बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं, मैंने पहले बोल दिया कि आप किसी ब्लॉक को छोड़ने वाले नहीं, वेदर इट्स न्यू क्लासिकल और वेदर इट्स ऑल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। फर्स्ट टू डेफिनेट डोमिनेंट है, चौसर एंड स्पेंसर, उनको छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। अब आपने सर मुझे क्या क्या करना है, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लें इंपॉर्टेंट पोएट्रीज। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट पोएट्रीज, तो उससे पहले एक स्टेप आता है इंपॉर्टेंट पोएट्स। नंबर वन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, कौन कौन से पोएट्स करने आपको ऑन टिप करना है। आई रिपीट, कौन कौन से पोएट्स करने आपको इंपॉर्टेंट करना है। अलोंग विद दैट फीचर्स, देयर फीचर्स ऑफ राइटिंग, मतलब उनकी पोएट्री में जो बेसिक फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं। हर पोएट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक बेसिक डोमिनेंट वे आउट होता है जिसको लिखता है। टेक एन एग्जांपल, आप अगर तो चौसर की बात, तो चौसर ने क्या किया सर, उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग गलत होते हैं। सर स्पेलिंग गलत नहीं होते हैं, मेडिवल इंग्लिश में वैसे इंग्लिश लिखी जाती है, तो हमारे टाइम पे हमें गलत लगते हैं। तो हमने कहा स्पेलिंग, पहला पॉइंट। सेकंड, दिमाग में आ रहा था डेफिनेटली, वो क्या कहता है, इंट्रोडक्शन देता है किनके कैरेक्टर्स की, अपने फिल्म ब्रिजेस की क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट। सिर्फ एक पोएट्री है हमारे पास, दैट इज कैंटरबरी टेल्स, जो हमें पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। नॉट इवन अ सिंगल थिंग दैट यू गाइस नीड टू रीड फॉर चौसर। आपको कैंटरबरी टेल्स पढ़नी है तो आप कैंटरबरी टेल्स पे ध्यान देंगे। अब चाहे वो नन प्रीस्ट है, चाहे वो जनरल प्रोलॉग है, चाहे वाइफ ऑफ बात का टेल और प्रोलॉग है, चाहे वो स्केयर का क्या है इंट्रोडक्शन और उसकी टेल है, चाहे वो नाइट का प्रोलॉग और टेल है, चाहे वो मिलर का, चाहे वो मॉन्क का, चाहे वो योमैन का, सबको पढ़ना है। यू कैन नॉट लीव दिस। ये तो क्या पोएट्स नंबर वन। नंबर टू फीचर्स। सर अगर फीचर्स की बात की जाए तो मैंने आपको किसके बताए, चौसर ही बताए। सर ये मेटाफिजिकल होते तो मैं क्या करता, मेटाफिजिकल सर दीज आर इंटेलेक्चुअल पीपल, सीरियस दीज आर इंटेलेक्चुअल पीपल, जिनकी सोच बहुत हाई लेवल पे, दोज हु क्वेश्चन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर कहीं ना कहीं वो रिलीजियस पोइट भी थे। रिडेम्पशन पढ़ा होगा, द पिले पढ़ा होगा, पुली, आपने कहा सर पुली भी पढ़ा है तो रिडेम्पशन पढ़ा, दोनों में गॉड पे रिलीजियस पोइट दिखते हैं पूरे, डिफाइन करते हैं द थ्री पर्सन गॉड, वो भी है जॉन डॉन ने लिखा लास्ट एक पे। तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखना है। पहला आ गया पोइट्स, पोइट्स के बाद आपने फीचर्स को क्लियर कर लिया। नंबर टू इंपॉर्टेंट पॉम्प्स। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉम्प्स, जो पेपर में बार बार रैपिडली पूछी जाती है, मतलब जिन पॉम्प्स को करने के बाद मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट दीज। स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, आपने स्टेप को क्लियर किया, आपने कहा हाँ ये कॉन्सेप्ट है, इसको करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फ्लो होगा, उसको लेके चलना है। तो फर्स्ट पॉइंट्स, नंबर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम बनेंगे 38 100-150 पोएट्री नहीं पढ़नी है आपको एमजी वन क्रैक करने के लिए, आपको सिर्फ 38 पोएट्रीज पढ़नी है जो मैं बता रहा हूँ। सर कहाँ बताएंगे, कोई वीडियो आएगी, डेफिनेटली आएगी, जो आपका हमें एग्जाम है उसके लिए वीडियो आएगी, तो आप उसको फॉलो करना ना भूलें। इसलिए मैंने कहा था चैनल वीडियो को शुरू करते ही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, स्टिल नहीं किया लोगों ने तो कांट हेल्प इट यार। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पॉइंट्स देन पॉइंट्स। नंबर थ्री एग्जाम पैटर्न। यस यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आप लोगों को एग्जाम पैटर्न ऑन टिपोलॉजी से, एग्जाम पैटर्न दो तरह होता है, एक होता है कंप्लीट आरटीसी, एक होता है एसे टाइप। ये जो एसे टाइप पेपर है ना, इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा आरटीसी और रिमेनिंग बाकी जो क्वेश्चन होते हैं होता है एसे टाइप क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम एसे टाइप पेपर। यही पेपर लास्ट टाइम आया था, उससे लास्ट टाइम पेपर था, उससे लास्ट टाइम पेपर आया था। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूं इग्नो की, तो उसके हिसाब से इस बार कंप्लीट आरटीसी होगा, लेकिन फेर बदल चल रहे हैं, कोविड
सीधे सीधे उधर कर रहा है, खेल को खिला रहा है, तो हमें ध्यान रखना कि हम उसको भी कर लेंगे, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। मैंने पहले बोला था हम दोनों करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सर, ये वाला पेपर अगर आता है तो इसको कैसे करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने नोट्स तैयार किए, आप सबके नोट्स तैयार किए, मैंने इस बार क्या किया, नोट्स के अंदर आरटीसीज भी डाल दी। आई गिव द आरटीसीज टू आरटीसीज। मैंने क्या किया, मैंने आपको एक आरटीसी दी, नीचे मैंने आपको पोएट और पोएट्री बता दी। अब सर व्हाट अबाउट द कॉन्टेस्ट, व्हाट अबाउट द एक्सप्लेनेशन, व्हाट अबाउट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन, उसको कैसे लिखेंगे। उसके लिए मैंने आपको डिटेल नोट्स दिए जिनमें आपका क्रिटिकल अप्रिसिएशन में है, जिसका आपका रेफरेंस मिल जाती है, जिसका आपको पता जाएगा एक्सप्लेन क्या करना है। अब एक मैजिक मंत्रा, डेफिनेटली मैजिक मंत्रा फॉर ब्रिटिश पोएट्री। किसी पोएट्री को समझना है तो सबसे पहले आप उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन या उसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे। आई रिपीट, इफ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर एनी ऑफ द पोएट्री, फर्स्ट गो फॉर द क्रिटिकल अप्रिसिएशन और इट्स समरी, बिकॉज देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी पोएट्री। आई रिपीट, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी पोएट्री एंड यू गाइस बेटर टू अंडरस्टैंड दैट स्टोरी बिफोर रिकॉग्नाइजिंग द टेस्ट ऑफ दैट पोएट्री। मतलब मुझे उस पोएट्री के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना, तो उससे पहले मुझे उस स्टोरी को जानना होगा जो उस पोएट्री के पीछे है। When I get acknowledged, मुझे पता जाएगा ये कहानी चल रही है, इसको लेके लिखा गया, तो मैं बड़े easily उस टेस्ट को identify कर पाऊंगा। This be the key, seriously this be the key, and I know that you guys are going to follow this. Then hey, you watching means definitely चीजें clear कर रही हैं, concept clear कर रहा है। Comment box में comment जरूर डालें, आपको क्या पता लगा। एंड शाउट आउट मूवमेंट, सीरियसली शाउट आउट मूवमेंट, जो बच्चा लाइक कमेंट शेयर करता है तो कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखे। इन अपकमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू शाउट आउट योर नेम, ये फॉलो करेंगे आप, बिल्कुल चलते हैं, आप लोग कर रहे हो, मैं भी इतना करूंगा आप लोगों के। तो पहली चीज हमें कॉन्सेप्ट नॉलेज, मतलब पोएट्री को समझना, तो पोएट्री के लिए पहले उस पोएट्री की स्टोरी जो उसके पीछे है उसको क्लियर करना है। हर पोएट एक मेंटल व्यू लेके चल रहा होता है व्हेन ही वाज राइटिंग सर्टेन टेस्ट, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अब उसी को एक टेस्ट की फॉर्म में, एक पोएट्री की फॉर्म में और लिख देता है पेपर पे, तो हमें वही करना है, हमें सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको समझना है एंड देन कैन आइडेंटिफाई। तो तीन चीजें बताई मैंने, पोएट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न मींस आर्टिसिस और एसे टाइप। सर अगर एसे टाइप है तो कैसे लिखेंगे, हम गोइंग टू अंडरस्टैंड एसे टाइप। उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे नोट्स में जो मैंने एसे टाइप क्वेश्चन दिए खाली उनको अंटिप कर लेना, उनके अलावा कुछ भी नहीं करना, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। पीछे नंबर दिया गया वहां से नोट्स ले सकते हो, नोट्स फ्री नहीं होते, उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे आप पे करते हैं आपके ईमेल आईडी पे मेल मिल जाती है आपको। आपने कहा सर ये प्रोसीजर हम फॉलो कर लेंगे, क्या श्योरिटी है दैट विल गोइंग टू स्कोर 70+। अब ऐसे क्वेश्चन बार बार आता मुझे कि सर गारंटी है कि आपके नोट्स लेंगे तो हमें 70 आ जाएंगे। बच्चों के आ रहे हैं ना भैया, लेकिन अब पढ़ के आपको जाना है, लिख के भी आपको आना है। वहां लिख के कुछ और आओगे और मुझे बोलोगे सर आपके नोट्स दिए थे, तो नोट्स काम नहीं करेंगे, नोट्स उनके लिए काम करेंगे जो उनको पढ़ के सेम टू सेम लिखाएंगे। तो लिखना आपको ये, मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं। तो गाइस कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टेस्ट वन बाय वन। बाय गाइस।